हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही खूबसूरत साड़ी लेके आई हूँ। मटेरियल इसका कोसा सिल्क है, आप देख सकते हो। पहले मैंने आपको तस्सर में बना हुआ दिखाई, अब मैं ये बॉर्डर वाले कोसा सिल्क साड़ी पे बना हुआ आपको दिखा रही हूँ। देखिए, इसका बॉर्डर कुछ इस तरह से है, आप देख सकते हो। ये बॉक्स वाले डिज़ाइन कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और सबसे ज़्यादा मुझे इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत पसंद आया। जब मैं इसे बना रही थी तो बहुत ही खुशी हो रही थी, और बनने के बाद इतना अच्छा लगा तो सोची क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ इसको। तो देखिए, इसका बॉर्डर कुछ इस तरह से है। बॉक्स बॉक्स में है, एक में मोड़ है और एक में फुल दिया गया है, आप देख सकते हो। और इसमें कलर देखिए कितना खूबसूरत है। सारे कलर यूज़, लगभग 5-6 कलर मैंने यूज़ किया है इसमें, आप देख भी सकते हो। और येलो कलर कितना हाईलाइट कर रहा है, वो देखो कितना खूबसूरत खूबसूरत लग रहा है देखने में। देखिए, पूरा साड़ी में ये बॉर्डर का जो चौड़ाई है वो 3.5 इंच है लगभग। 3.5 इंच में ये बॉर्डर बना हुआ, क्योंकि इस साड़ी में पहले से ही जरी बॉर्डर था, तो ज़्यादा चौड़ाई रखने से ये कुछ अलग दिखता है, इसलिए मैंने इसको कम में ही बनाया बना बनाया और तो ये ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं देखने में। देखिए इस तरह से पूरा साड़ी में, ये फुल साड़ी, ये बॉर्डर गया हुआ है, आप देख सकते हो पूरा साड़ी है। और सेम नीचे का जो बॉर्डर है उसी से मैच करता हुआ ऊपर का बॉर्डर भी डाला गया है, आप देखो कलर कितने ब्राइट दिख रहे हैं ना। देखिए, नीचे और ऊपर का बॉर्डर सेम सेम मैंने रखा है ताकि साड़ी और खूबसूरत लगे देखने में। देखिए, ये नीचे का बॉर्डर है और ऊपर का इससे मैच करता हुआ, देखिए सेम बॉर्डर है ऊपर में भी, देख लीजिए। इसमें बूटी भी बहुत खूबसूरत दिया गया है, 3-2 का बूटी है। साड़ी के डिजाइन से ही मैच करता हुआ बूटी भी डाला गया है, आप देख सकते हो। रेड और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन दिया गया है, ऊपर नीचे के बॉर्डर से मैच करता हुआ कलर बूटी में यूज़ किया गया है। देखिए, ऑरेंज एंड रेड मैंने आपको ऊपर नीचे दोनों साइड का जो है बॉर्डर मैंने आपको दिखाया। अब मैं इसका आंचल दिखा देती हूँ। आंचल बहुत ही खूबसूरत है, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। देखिए, मैंने इसमें रास बनाया है और ये मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये आंचल का डिज़ाइन आपको कैसा लगा। मैं पूरा धीरे धीरे करके दिखा देती हूँ। देखिए, पूरा ये आंचल का वर्क है, देखिए कितनी खूबसूरत लग रहा है। ये रास है और ये लगभग आपको 75 सेंटीमीटर में बनाया गया है, आप देख सकते हो। ये रास का जो डिज़ाइन किया गया है आंचल में, वो 75 सेंटीमीटर में बनाया गया है। मैं साड़ी बता भी देती हूँ बॉर्डर कितने में बना हुआ है, आंचल कितने में बना हुआ है, ताकि आप समझ पाओ इसका ये जो माप क्या है। देखिए, पहले से इसमें जरी वर्क है आंचल में भी, इसलिए इसमें थोड़ा कम करके ऊपर रखा गया है। ऐसे जनरल साड़ी में 1 मीटर तो बनते ही हैं, 1 मीटर आंचल और 5 या 6 इंच बॉर्डर बन जाते हैं, मगर इसमें पहले से ही जरी वर्क मौजूद है, इसीलिए उसको बैलेंस करके इसमें बनाया गया है, ताकि बहुत लंबा ना लगे, बहुत कम ना लगे, एकदम बैलेंस्ड है। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, कलर कॉम्बिनेशन कितने खूबसूरत लग रहे हैं। देखिए, देखिए पूरा एकदम से बना गया है, पूरा मोर जो प्रेम का प्रतीक होता है वो सब इसमें डाला गया है रास के साथ। ये बहुत ही सुंदर तरीके से बैठ रहे हैं, तो रास प्रेम का प्रतीक है और मोर भी प्रेम का प्रतीक है। मिथिला में मोर को प्रेम का प्रतीक मानते हैं, तो आप देख सकते हो सब इसमें डाला गया है। देखिए, बूटी भी पूरा साड़ी में बूटी दिया गया है, 3-2 करके। और सबसे खूबसूरत लग रहा है नीचे का जो बॉर्डर और ऊपर का बॉर्डर जो मैच कर रहा है ना, बहुत ही हाईलाइट कर रहा है डिज़ाइन को। देखिए,
अब मैं आपका इसका बैक साइड का मैं दिखा देती हूँ। ब्लाउज़ का जो बैक साइड में आते हैं डिजाइन, वो मैं जितना भी बनाती हूँ सारे में मैं बॉर्डर से मैच करता हुआ ही बैक साइड पे डालती हूँ। आप देख सकते हो बॉर्डर से मैच करता हुआ बैक साइड पे भी डाला गया है। बैक साइड का 80 सेंटीमीटर में बनता है, तो आप देख सकते हो। मैं साड़ी का माप भी साथ साथ में बता दे रही हूँ ताकि आपको कभी कन्फ्यूज़न ना हो। तो बॉर्डर से मैच करता हुआ ये बैक साइड का डिज़ाइन है, और इसका बाजू का मैं भी आपको बाजू का भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इस साइड सेम मैच करता हुआ बाजू पे भी बनाया गया है, देखिए। तो मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हाँ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही खूबसूरत डिज़ाइन लेके आती रहूँगी आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कैसा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। नेक्स्ट साड़ी में मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए वरमाला लेके आऊँ, कि मैंने इसमें रास डाला है, नेक्स्ट वाले में मैं वरमाला लेके आप लोगों के लिए लेके आऊँ। देखिए पूरा मैं फिर से दिखा दे रही हूँ आजकल। तो अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कांटेक्ट नंबर जो है व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। चलो पूरे वीडियो मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।